अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी सामान में रखे, आमीन जी। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? मेरी तो बस ठीक ही गुजरी, और ईद पे इतना ज़्यादा रश हो गया, इतना ज़्यादा कि अभी चौथा दिन ईद का है, तो आज का दिन तो सारा दिन मेरा बिज़ी रहा है कि यूसुफ भी घर पर नहीं थे। उसके बाद फिर मैंने कहा चले व्लॉग बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बना रही थी, तो बस ईद पे भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, जिसकी वजह से नहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया तो थोड़ा लेट ईद मुबारक। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो अभी मैं बस सफाइयाँ ही करनी शुरू कर दी थी, सुबह सुबह ही मैं उठी हूँ, तो मैंने कहा चले आज तो सफाइयों का दिन कर लेना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे ईद के बाद, काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि हर घर में होता है, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। तो ईद माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गुजर गई थी, लेकिन कहीं गए नहीं थे, फिर वीडियो भी नहीं बनाई, घर पे ही बस मज़ा किया कि यूसुफ भी घर पे थे, बच्चे भी घर, हम लोगों ने मिलके एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किया। तो आज बस मैंने कहा कि कपड़े शपड़े धोते हैं और साथ साथ आप लोगों से गपशप भी कर लेते हैं, कि काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो यार बस वीडियो बनाई तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर बस टाइम नहीं मिला, थोड़ी यूसुफ की तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो बस इसी वजह से दिल भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं, जैसे चलता है ना चलने देते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है अभी काफ़ी थोड़ी सी बेहतर हुई है उनकी तबीयत, तो बस उनके साथ ही बस ये ईद गुजारी, घर में ही गुजारी, बाहर निकले को नहीं। पहले तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता था, बाहर भी जाते थे, लेकिन इस दफ़ा ईद बस थोड़ी सी फिक्की थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि बस ईद हो गई, बच्चों के साथ फिक्की हुई है, जैसी भी हो बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ तो बहुत अच्छी ही गुजरती है। तो अभी कपड़े जो धुल चुके हैं ना, वो मैं अभी गैलरी में डाल रही हूँ। गैलरी में जो कपड़े सूखे हुए थे ना, वो मैंने उतारे हैं पहले, उसके बाद फिर जो अभी मैं मशीन से निकाल के लेके आई हूँ अभी, वो मैं डाल दूँगी। और इतने ज़्यादा ईद के कपड़े हो गए थे ना कि हर दिन ही एक दो 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 जोड़े उतर रहे थे, तो वो इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए, तो फिर आज मुझे सारा दिन ही कपड़े धोने पड़े। कोई सारा दिन मैंने कहा चलें कपड़े भी धो लेते हैं, साथ साथ फोल्ड भी करते हैं, फोल्ड भी किए और फ्लोर क्लीनिंग भी की, वैसे भी क्लीनिंग कर, डस्टिंग भी की, इतना ज़्यादा आज काम था ना सच में, मैं थक गई सारा दिन काम कर करके। लेकिन अभी अभी तो ये सुबह का टाइम है, तो सारा दिन इतना ज़्यादा बिजी गया कि उतना ज़्यादा हम वीडियो नहीं बना सकते जितनी के जितना काम होता है, इतना यार काम होता है ना कि सारा दिन बस सर खुजाने का भी टाइम नहीं मिलता है। अभी मैं सारे कपड़े डाल लूँगी यहाँ पे गैलरी में।
कपड़े जो सूखे हुए हैं ना वो मैंने यहाँ ला कर रखे, मैं अभी जल्दी से उनको फोल्ड करके ना अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। अगर इसी तरह ना इतने ज़्यादा कपड़े धुल चुके हैं कि इसी तरह ये अगर रख दूँगी तो इतने ढेर लग जाएंगे ना, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा कि चले इसको तो साथ साथ करती हूँ। और आज से ना मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रही हूँ कि यार मैं अब वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, कि वीडियो की बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ इस रमज़ान मुबारक में तो बिल्कुल मैं बना ही नहीं सकी, कि बस बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ इसी वजह से। फिर असल में ना दोपहर में कुछ काम किचन का अगर कर लिया जाता था, लेकिन पूरा महीना तो गैस ही नहीं आ रही थी, कोई काम हो ही नहीं पा रहा था कि दिन में कुछ काम कर लिया जाए। तो बस इसी वजह से ना फिर मैंने कहा चलें ठीक है, जैसे भी गुजरता है ना रमज़ान मुबारक गुज़रे, अभी एक दो महीने के बाद मई जून जुलाई अगस्त 3 महीने ही हो जाएंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे। इधर ईमान बैठी हुई उससे मैं गपशप लगा रही थी ज़रा, मैंने कहा चलें एक दूसरे से बातें भी करते करते ना टाइम बिल्कुल गुजरने का पता ही नहीं चलता है। अच्छा रमज़ान मुबारक में इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई थी ना लस्सी पीने की, इतनी ज़्यादा कि बस दिल करता है अब प्यास भी ज़्यादा लगती है जब से रमज़ान मुबारक गया है ना, उस वक्त से काफ़ी ज़्यादा प्यास भी लगती है। तो ईमान को मैंने कहा कि मेरे लिए लस्सी बना के ले आओ, तो लस्सी बना के ला कर मुझे दी उसने। अच्छा किस किस को लस्सी पसंद है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को पसंद, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती, बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, बस अपनी अपनी पसंद है। जो कुछ जिस हिसाब के लोग होते हैं, जिस देहात के होते हैं या शहर के होते हैं, जैसे जैसे जिनका रहन सहन जैसा होता है ना, खान पीन भी वैसा ही होता है। तो जी हमारा खान पीन तो ये है कि हम गांव के लोग हैं, तो गांव में खान पीन ऐसा ही होता था, मक्खन होता था, लस्सी होती थी, दूध होता था, लेकिन शहरों में आके ये चीज़ें नायाब हो गई। तो इसी वजह से ना फिर भी शहरों में रह के भी हम लोग ये चीज़ें करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें आती होती है, हमें दूध लेके दही को जमाना, फिर उसको लस्सी बनाना, ये सब कुछ हमने अपनी माँ से सीखा हुआ है। तो इसी वजह से ना ये चीज़ें हमें आती हैं। तो बस दोपहर का टाइम हो गया और मुझे ना थोड़ी नींद आ रही थी, तो अभी मैं सो के उठी हूँ, तो थोड़ा सा फ्रेश। अच्छा 10-15 मिनट सो जाओ ना, तो सोने के बाद काफ़ी अच्छा फ्रेश हो जाता है, बजाय इसके कि 2-2, 3-3 घंटे सो जाओ। नहीं मैं बस 10-15-20 मिनट के लिए सोती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ। तो अभी फ्रेश हो के आई हूँ और साथ ही सब्ज़ी लेके आ गई थी, मैंने कहा चले आप लोगों से, अभी मेरा ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ तो मैं सब्ज़ी अभी काटना बाकी थी। आज हम बना रहे हैं आलू और शिमला का की सब्ज़ी, क्योंकि चिकन और गोश्त वगैरह जो है ना ईद पे वो तो वो काफ़ी खाया, बस खाते रहे सारा दिन खाते रहे। अच्छा खाना पीने के अलावा बस सोना था, ये 3 दिन ऐसे गुजरे जैसे पता ही नहीं चला, बड़ा वैसे मज़े वाले थे। इतना ज़्यादा काम भी नहीं किया, बस खाना पकाना तो था
लेकिन खाना खाना ज़्यादा था। यूसुफ जब भी हमें देखते थे ना, वो कहते थे कि जब भी देखता हूँ तुम लोग खा रहे होते। मैंने कहा यार ईद है, ईद पे खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है, दिल करता है खाने को। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको भूख नहीं लगती, वैसे ही ईद पे ज़्यादा खाने को दिल करता होता है, उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। अच्छा बस इसी तरह हमारी ईद तो गुजर गई। आप लोगों की उम्मीद है कि बहुत अच्छी गुजरी होगी। जैसी भी गुजरी है प्लीज़ आप मुझे ना कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो देख, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।